गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग माई फ्यूचर डॉक्टर्स. देन दिस इज सुविंदर तोमर परफेक्ट मैन नीडेड यूट्यूब चैनल ऑफ माई. देन आज अपन फिजिक्स में स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव मोशन में क्या होता है बेसिकली देखिएगा समझिएगा. रिलेटिव मोशन जैसे ए पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की x से. एक बी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की b. तो आपसे कहा गया कि a के सापेक्ष b की वेलोसिटी बताइए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a. आप इसे लिखोगे x b वेक्टर माइनस x a वेक्टर. मीन्स वेलोसिटी ऑफ b a के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वेलोसिटी देखी है उसको आपने क्या किया है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a. तो a के सापेक्ष आप देख रहे हो, तो a को आप उल्टा करके क्या कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो. या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x b a वेक्टर बराबर x b वेक्टर प्लस माइनस का x a वेक्टर. मतलब एक के इसका जो बाद में लिखा जाता है ना, इसके तो क्या देख रहे हैं, रिलेटिव, इसके सापेक्ष देख रहे हैं, और जो पहले लिखा जाता है उसकी देख रहे हैं, है ना. अच्छा, जैसे आपसे कहा गया कि ये है वी ए और ये है वी बी, तो बताओ वी ए बी क्या होगा. तो वी ए बी कैसे लिखेंगे, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर. यानी किसके सापेक्ष देख रहे हैं, बी के सापेक्ष देख रहे हैं, तो b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. अच्छा, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये लर्न कर लेना है बेसिकली कि जिसके सापेक्ष विच रिलेटिव bc, जिसके सापेक्ष हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी ऑफ इट एंड एक्सेलरेशन ऑफ इट एडेड टू रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर स्टॉप. इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसमें अपन क्या देख रहे हैं, ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल है ए, है ना. ए पार्टिकल आपके पास ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बी पार्टिकल है ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. आपको बताना है वी ए बी. तो आप इसको कैसे हल करने की कोशिश करोगे, ऐसे करोगे ए का वेलोसिटी आपको बताना है, तो डायरेक्ट आप ए की वेलोसिटी को बताना है, तो ए की वेलोसिटी को जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार लिखो. जिसके सापेक्ष आपको देखना है तो किसके सापेक्ष देखना है, इस बी के सापेक्ष, तो बी के सापेक्ष देखना है, बी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इस 5 मीटर पर सेकंड को अपोजिट करके जोड़ दो 5 मीटर पर सेकंड. ये होगा आपके पास वीएवी. तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड प्लस आई की एफ की दिशा में आ गया. इस प्रकार से आप इसको करते हैं. अच्छा, आप इसमें एक क्वेश्चन करो, क्या है क्वेश्चन है आपके पास कि कोटा और शिमला की आपके पास डिस्टेंस दी गई है 800 किलोमीटर. यहाँ है कोटा और यहाँ है आपके पास शिमला, ये डिस्टेंस दी है 800 किलोमीटर. अब यहां से मान के लो एक वो कार चल रही है 120 किलोमीटर प्रति आवर से, और यहाँ से एक गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति आवर से, है ना, 40 किलोमीटर प्रति आवर से. अब आपको ये क्वेश्चन है कि विच टाइम किस समय पर, विच टाइम दे मीट, किस टाइम पर वे दोनों मिलेंगे, वो टाइम आपको फाइंड करना है. अच्छा, तो इसको टाइम को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा. टाइम को फाइंड करने के लिए आपके पास सीधा सीधा सा इसमें जो है मतलब
हाँ टाइम को फाइंड करना है आपको, तो कैसे आप कर सकते हैं देखिएगा। हाँ तो देखो पहले तो आप निकाल लो हुई रिलेटिव, तो हुई रिलेटिव कितना आएगा, मान के लो आप ए के सापेक्ष इसको टा इस ए के सापेक्ष इसको मान लिया बी, तो आप निकाल लो ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष निकालेंगे तो ए की वेलोसिटी जो कि तुम 120 किलोमीटर प्रति आवर्स, अब इस वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इस 40 किलोमीटर का ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। अच्छा तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई आपके पास 120 और 40, 160 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी वेलोसिटी हुई रिलेटिव कितना आ गया 160 किलोमीटर प्रति आवर, और एस कितना दिया है 800, तो टाइम एस बराबर यूटी से निकाल लो है ना, 800 बराबर 160 इंटू टी, टी बराबर 16.5 सेकंड, 5 सेकंड में वे एक दूसरे से क्या कर जाएंगे आपके पास मिल जाएंगे, 5 सेकंड नहीं 5 आवर्स, क्योंकि घंटे में चल रहा है ना, 5 आवर्स में वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से प्रेरण किया है कि कोटा से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये डिस्टेंस x, फाइंड मीट डिस्टेंस फ्रॉम कोटा, कोटा से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो इसे कैसे आप फाइंड कर सकते हो देखिएगा समझिएगा, इसे फाइंड करने के लिए सीधा सीधा ग्राउंड प्लेन पर आ जाओ, रिलेटिव को छोड़ दो, वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको रिलेटिव को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर केवल कोटा वाले की वेलोसिटी देखो कितनी है 120 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और कितने देर में मिल रहे हैं 5 घंटे में मिल रहे हैं, 5 आवर्स में मिल रहे हैं, तो अब आपको एस बराबर यू टी, ए बिल्कुल है नहीं, तो यू 120 इंटू 5 600 किलोमीटर पर, कोटा से 600 किलोमीटर डिस्टेंस पर दोनों के दोनों आपको मिलते हुए नजर आ जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है आपके पास। अच्छा इसके बाद अपन एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। अच्छा रिलेटिव में अपन करते क्या है कि जिसकी वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी को तो नोकितो लिखने देते हैं, और जिसके सापेक्ष फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी को अपन रिवर्स करके उसमें जोड़ देते हैं। अच्छा ऐसे भी ना समझ में आए तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, इसको दूसरा लिखने का तरीका वी ए बी बराबर वी ए प्लस करके माइनस वी बी, जैसा कि अभी अपन ने कहा। अच्छा देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से है वो क्वेश्चन, ये डिस्टेंस दी है 1200 है ना, कितनी 120 दी है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल है ए, वो नीचे की ओर आ रहा है कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्टिकल यहाँ पे बी, वो ऊपर की ओर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। पहला फाइंड टाइम वेन जब दे यानी वे मीट, वो टाइम फाइंड करें जब वे दोनों मिलेंगे। दूसरा फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड मीटिंग पॉइंट, जहां पर वे मिलेंगे वहां से बी तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अच्छा अब देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, सीधा सीधा भाई किसी एक को रोक दो, ये मान के लो ये हो गया 120, अपन ने रोक दिया किसको, ए को रोक दिया अपन ने, तो नहीं बी को रोक दिया है ना, तो बी को रोक दिया, ए का योगी तो, और बी की वेलोसिटी ऊपर की ओर तो इसे उल्टा करके जोड़ दो तो नीचे की ओर 50 मीटर पर सेकंड, यानी एस ये रहा टोटल वेलोसिटी, ये आ गई एस बराबर यू रिलेटिव इंटू टी, और यू रिलेटिव कितना आ गया 60 इंटू टी, यानी टी बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड पर भी मिलेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से देखो, उसको मिटा दो आप। अच्छा ग्राउंड फ्लोर से कैसे देखेंगे, पहली बात तो ये 120 मीटर, ये 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है,
टाइम आपको दिया ही है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, त्वरण भी लग रहा है, इससे मीटिंग पॉइंट की डिस्टेंस, तो मीटिंग पॉइंट पर मिल कब रहा है, टी बराबर 2 सेकंड पर मिल रहा है। सीधा सीधा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू कितना 50, टी कितना 2, माइनस 1/2 माइनस क्यू, जी का लगता है नीचे, जी का मान 10, जी टी स्क्वायर माइनस कर दो इसको। अच्छा टी कितना 2 × 2, क्योंकि टी का क्या कर रहे हैं स्क्वायर, एस बराबर 100 माइनस ये कितना हो गया 20 यानी 80 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ पर, ये दोनों मिलेंगे वो कितनी आएगी 80 मीटर, तो दूसरे का आंसर हो गया 80 मीटर। ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है। एक टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आपको देखने को मिलती हैं, देखो जैसे ये आपके पास अपन ने बना दिया ट्राइंगल, अब ये पॉइंट है ओ, अब ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, ये पार्टिकल सी, ए की वेलोसिटी वी, बी की वेलोसिटी आपको दिया वी, सी की वेलोसिटी आपको दिया वी, अब आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि फाइंड टाइम व्हेन ए बी सी मीट ईच अदर, इसका मतलब ए चल रहा है बी की ओर, क्वेश्चन है ये अभी तक बी चल रहा है सी की ओर और सी चल रहा है ए की ओर, यानी ए चल रहा है बी की ओर, बी चल रहा है सी की ओर, तो ए चलता गया बी की ओर इस पॉइंट पर आ गया, बी चलता गया सी की ओर इस पॉइंट पर आ गया, सी चलता रहा ए की ओर इस पॉइंट पर आ गया, मतलब ओ पॉइंट पर तीनों के तीनों मिल जाएंगे। तो आपको वह टाइम ज्ञात करना है जब ये तीनों पार्टिकल मिक्स कर जाएंगे। इस प्रकार से टाइम ज्ञात करने के लिए आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा देखिएगा कि ये आपके पास दे दिया ट्राइंगल, ओके, अब इस पॉइंट पर तीनों पॉइंट को पहुंचना है, तो ये दूरी कितनी आती है ए बट्टे रूट थ्री, अरे बोलो, अच्छा और इधर वेलोसिटी कितनी है वी, और ए बट्टे रूट थ्री, ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री, और ये क्या होता है बाइसेक्टर पर, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो वी का इस दिशा में कितना आएगा, वी का इस दिशा के एलंग वेग निकाल लो, तो ये डिस्टेंस आ गई ए बट्टे रूट थ्री, और ये वेलोसिटी कितनी आ गई वी कॉस 30, वी कॉस 30 बोले तो वी कॉस 30, तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो कितनी है वी कॉस 30 मतलब वी रूट 3/2 बराबर ए बट्टे रूट 3 × 2/ वी, अच्छा रूट 3 वहां पर भी है, तो क्या 2a/3 भी आ गया क्या, देखो एक बार, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा इसी प्रकार से यदि आपके पास दे दिया, मान के लो ये दे दिया आपके पास है ना, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, अब ये तीनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो वह डिस्टेंस फाइंड करो जिस पर ये तीनों मिल जाएंगे, वह टाइम फाइंड करो। तो इसके टाइम को फाइंड करने के लिए वही मेथड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये वाली डिस्टेंस अब आप लोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आती है, ये पूरा ए रूट दो, तो ये ए बट्टे रूट दो, अच्छा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी है, तो वी कॉस 45, वी कॉस 45 मतलब वी बट्टे रूट दो, टाइम कितना आ जाएगा ए बट्टे रूट दो बट्टा वी कॉस 45 वी बट्टे रूट दो से रूट दो कैंसिल बराबर ए बट्टे वी। इस प्रकार से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना, कि ये आपसे इसी प्रकार से पूछता है। अब आपसे एक 2D रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन पूछ लूं, देखो यहां मैं 2D रिलेटिव मोशन का बिना कंसेप्ट पढ़ाए आपको क्वेश्चन पूछता हूं, बिल्कुल धड़ाधड़ आप आंसर दोगे, है ना, 2D रिलेटिव मोशन का, ये यार इंक ज्यादा हो गई इसमें, 2D रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 2D रिलेटिव मोशन का किस प्रकार से पूछ रहे हैं, देखिएगा कि आपके पास इसमें ये है 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान के लो कार, ये कार इस डायरेक्शन में चल रही है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड से, ओके, अच्छा
और कार बी इस डायरेक्शन में चल रही है, ये कार हो गई ए और ये हो गई कार बी, ये हो गई कार बी, ये इस डायरेक्शन में चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड वी ए बी, इसका मतलब क्या है? ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है बी के सापेक्ष, तो कैसे फाइंड करोगे? ये क्वेश्चन है, और ए की वेलोसिटी आपको बी के सापेक्ष फाइंड करनी है, तो सीधा सीधा ए को यूं की तू रहना दो 4 मीटर पर सेकंड, बी के सापेक्ष बी को उल्टा करके जोड़ दो, बी को कहां बना लेंगे? ऊपर 3 मीटर पर सेकंड, यानी ए को तो आपने बना लिया इसी डायरेक्शन में 4 और बी को उल्टा करके 3, तो फिर कितना आ जाएगा वी ए बी 4 और 3 कितना 5, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या फिर आप इसके लिए पूछ सकते हो 4 i² + 3 j². अब इसमें कोण पूछने लगा तो टेन थीटा बराबर 3/4 किधर आ जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट का 37 डिग्री, इसका मतलब 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट यानी किसी के भी सापेक्ष अगर पूछ रहा है तो अपन को क्या कर देना है? उल्टा करके जोड़ देना है, और ज्यादा प्रॉब्लम उसमें लेनी ही नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन करोगे आप, वैसे तो बहुत ही टफ क्वेश्चंस में वो आता है, नीट में 2 बार पूछा गया है, लेकिन उसको अपन कितनी इजी तरीके से करेंगे वो आप देखिएगा। लेटेस्ट थोड़ा सा वो मीडियम क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को आप देख रहे हो। बेसिकली ये समझने के लिए कि 2D में यदि आपको सापेक्ष पूछा जाता है, रिलेटिव मोशन में पूछा जाता है, तो उसमें दूसरे की वेलोसिटी को इसमें भी उल्टा करके जोड़ना ही है ना? उसमें कोई अंतर बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक कार है, मान के लो ये चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, ओके। यहां पर दूसरी कार बी है, बी ये चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अब आपको इसमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस दी है आपके पास कितनी? 2000 मीटर, 2000 मीटर, ठीक है ना? अब इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, पहला मिनिमम डिस्टेंस और दूसरा आपको जो इसमें फाइंड करना है तो टाइम व्हेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम वो टाइम क्या होगा जब उन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस होगी। ये 2 चीज आपको फाइंड करनी है। देखो तो कैसे कर सकते हैं अब आप इसको, इसको करने के सीधे सीधे आपके पास 2-3 मेथड है ना, कैसे कर सकते हैं देखिएगा। 1 मिनट यार, ये मार्कर ज्यादा, ठीक है। देखो करने का तरीका आपके पास सीधा सीधा कि आपको ऐसा कर देना है, किसी एक के सापेक्ष देख लेना है, मान के लो अपन एक के सापेक्ष देख रहे हैं है ना, एक के रिलेटिव देख रहे हैं, एक के रिलेटिव, ए के रिलेटिव कैसे देखेंगे? तो बी को तो नौ की तो ही, बी का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यू की तो, ए का, ए के रिलेटिव तो ए का 3 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर आ जाएगा, ओके। तो आप सोचो क्या नेट आपको इस दिशा में गति करता हुआ नहीं देखेगा? बिल्कुल। अब इन दोनों के मध्य मिनिमम डिस्टेंस उस टाइम पर होगी जब इस पॉइंट का लंब इस पर आकर गिरेगा, यानी जब ये VAB 3 मीटर पर सेकंड के परपेंडिकुलर होगी तब उन दोनों के बीच में ये वाली डी मिनिमम रही होगी। अच्छा साहब, अब देखो इस सवाल में अब कुछ रहा ही नहीं, ये कितना 2000 मीटर। अब सोचो ये एंगल कितना रहा होगा, निकाल लो टेन थीटा बराबर कैसे 3/4, ये भी तो क्या बनेगा, तो ये 3 और ये क्या 4, 3/4 बराबर कितना थीटा बराबर 37 डिग्री, ये एंगल आ गया 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया 53 डिग्री, ये 53 डिग्री आ गया, तो ये मान लो D1, ये D मिनिमम मान लो D2, तो
तो डी वन आपके पास यदि आप निकालोगे तो 2000 का कोस 53 तीन बट्टे पांच, एक बार कोस 53 भी लिख देता हूं, 2000 कोस 53 बराबर 2000 इंटू 3/5, 5×4 यानी 1200 मीटर। अब डी टू कितनी आएगी आपके पास, 2000 sin 53, 2000 sin 53 का मतलब 4/5 यानी ये आएगी 1600 मीटर। अब आपको ये देख के नहीं कर देना है कि ये कम आई है दूरी तो डी मिनिमम ये होगी, नो, डी मिनिमम हमेशा वो वाली डिस्टेंस होगी जो इस पर परपेंडिकुलर घिरी हुई है, तो ये होगी डी मिनिमम, डी मिनिमम डी। अच्छा अब आपको टाइम निकालना है, दूसरा पॉइंट, टाइम निकालने के लिए क्या करें, इस दूरी को ले लो मान के लो, तो ये दूरी कितनी आएगी 1200 मीटर। अच्छा और इसके डायरेक्ट इसमें वेग क्या होगा, ये वाला 4i² + 3j के बराबर 5, तो काट दो 5 × 10, 5×20, 240 सेकेंड। इस प्रकार से आपके पास इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना, ये 2D रिलेटेड मोशन से रिलेटेड है। आपको एक चीज की मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन अपन पढ़ रहे हैं, है ना। कैसे देख रहे हैं कि जैसे मान के लो ये दो प्रोजेक्टाइल हैं, ये एंगल थीटा पर u1 से जा रहा है, ये एंगल थीटा पर u2 से जा रहा है। अच्छा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, u2 cos थीटा, इस डायरेक्शन में u2 sin थीटा, इसका इस डायरेक्शन में u1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में u1 sin थीटा। अब इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, कैसे सोचो, जब u1 sin थीटा माइनस u2 sin थीटा बराबर 0, देन पार्टिकल मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल। देखो अभी अपन इसको समझेंगे कैसे लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जब u1 cos थीटा बराबर माइनस u2 cos थीटा देन पार्टिकल बराबर 0, देन पार्टिकल मूव अलोंग वर्टिकल। कैसे, देखो किस प्रकार से इसको देख रहे हैं, मान के लो अपन को इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। अब ए के सापेक्ष बी की बी का वेग देखो, नहीं या बी के सापेक्ष ए का देखो, तो ये तो रहा u1 sin थीटा। अब किसके सापेक्ष देख रहे हैं, बी के सापेक्ष, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस u2 sin थीटा। अच्छा अब इधर u1 cos थीटा तो रहेगा, अब ये वाला माइनस होके हो जाएगा माइनस u2 cos थीटा। पहला पॉइंट आपने ये कहा, जब ये वाला जीरो रहा होगा, ये जब जीरो हो जाएगा तो केवल हॉरिजॉन्टल पर मूव करेगा, अच्छा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो केवल वर्टिकल पर मूव करेगा। आ रहा है ना समझ में, हाँ सर बिल्कुल, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कोलिजन का, कि कोलिजन कब होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी तो किस समय पर होगी, किस दूरी पर होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको वो इसके में पूछता है। तो कैसे उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, देखिएगा एक बार। देखो कंडीशन ऑफ कोलिजन, इसमें एक और चीज है कि यदि रिलेटिव वेलोसिटी तो इसकी नियति आ रही है इफ, तो नेट वेलोसिटी इसमें आएगी ना, यदि ये दोनों जीरो नहीं हुए तो नेट वेलोसिटी ये आएगी। तो यहां पर आपको ये पॉइंट है, देखो कि इफ रिलेटिव वेलोसिटी
यदि रिलेटिव मूवमेंट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो फिर पाथ कैसा रहा होगा, तो प्रोजेक्टाइल जो प्रक्षेप गति है ऑलवेज कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप इसमें फिर क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छा कंडीशन ऑफ कोलिजन की बात कर रहे हैं। देखो कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन में आपके पास क्या है कि वी रिलेटिव बिटवीन टू जॉइनिंग पॉइंट, जॉइनिंग पॉइंट नॉट इक्वल जीरो। सीधी सीधी कंडीशन आपने देख ली है कि एक का वेग दो कणों को टक्कर के लिए आवश्यक होगा कि एक का वेग दूसरे के सापेक्ष जोड़ने वाली रेखा के अनुदेश हो, यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा के अनुदेश कुछ ना कुछ का रहा हो, वेग रहा हो। कैसे देख रहे हैं, देखो आप एक क्वेश्चन करो इसमें, उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं इसमें, यही कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। देखो कि आपके पास ये वी वेलोसिटी दी है, एंगल दिया है 37, 37 यहां पर 50 मीटर पर सेकंड दिया है, ये एंगल दिया है 53 डिग्री, और क्या दिया है, और ये डिस्टेंस दिए है आपके पास 500 मीटर है ना, और तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है आपको कि वी क्या हो, वैल्यू ऑफ वी फॉर कोलिजन, टक्कर हो जाए ऐसी वैल्यू वी की क्या हो। दूसरा डिस्टेंस किस समय पर, टाइम ऑफ कोलिजन, ये ज्ञात करना है। तीसरा क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि टक्कर की स्थिति के एक्स एक्स वाई है ना, एक्स वाई निर्देशांक ऑफ कोलिजन, कोलिजन पोजीशन, कोलिजन की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ वी को फाइंड करने के लिए आप क्या करो कि इस डायरेक्शन में आपको ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी, ये वाला वेग वी साइन 37, तो वी साइन 37 का मान 4/5, और ये वाली कितनी होगी 50 साइन 53, 50 साइन 53 का मतलब 4/5 यानी 40, ये कितनी होगी 40, तो ये आ गई आपके पास कितनी 40 मीटर पर सेकंड, ये आ गई कितनी 4V/5, अच्छा तो ये वाली 3V/5 आ गई, और ये इधर कितनी आ गई 30 आ गई। अब अपन ने देखा था कि ये वाली जीरो नहीं हो फॉर कोलिजन, अच्छा अब कोलिजन अच्छे से हो जाए इसका मतलब ये ऊपर वाली वेलोसिटी एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, कैंसिल करनी चाहिए, तो इनकी कैंसिल करने के लिए अपन तो कब कैंसिल करेंगे, जब 4V/5 बराबर होगा 40 मीटर पर सेकंड से, इससे ये कैंसिल हुआ, अरे बोलो ना 4V/5 बराबर हुआ 40 के, तो वी कितना आ गया 20 आ गया ना। कैसे कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हैं, देखो कि ये 4V/5 है, ये 40 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, तो अरे कुछ मिस्टेक किया गया, अरे ये 3V/5 हुआ ना, 3V/5 क्यों, क्योंकि cos 37 है, यहाँ पर क्या है साइन 37, साइन 37 का मान कितना होता है वी इंटू साइन 37 3/5, ठीक है 3V/5, ये आएगा 4V/5, ठीक है 4V/5, तो क्या कोलिजन के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये 3V/5 इक्वल होना चाहिए 40 के, तो 3V/5 बराबर 40, यानी वी की वेलोसिटी आ गई 200/3, ये आ गई आपके पास, यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 200/3। आफ्टर दिस इसमें क्या आपको फाइंड करना है, टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन का
समय आपको ज्ञात करना है, तो देखो अपन दूसरे पॉइंट पर इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। दूसरा देखो टाइम, अब इसे टाइम को ज्ञात करने के ना आपको ये सीधा सीधा देख लेना है कि इसमें कितना है 4v/5। अच्छा अब इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है, इधर कितनी आ रही है 30 + 30, इसी के सापेक्ष एक ही के सापेक्ष देख रहे हैं अपन। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी है आपके पास 500, तो s बराबर ut से t बराबर सीधा सीधा, अब आप इसको निकाल लेना 500/4v की वैल्यू रखना, कितना आई 200/3/5 + 30, इसको टाइम निकाल लेना, आपके पास टाइम आ जाएगा क्लियर सा, मेरे चूंकि निकाला हुआ है कितना 6 सेकंड। अब आपके पास तीसरा जो इसमें फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था, एक्स वाई निर्देशांक आपको फाइंड करने थे। तो जब भी आपको पोजीशन फाइंड करनी हो ना तो आप ग्राउंड फ्रेम पर आ जाओ, इसके लिए किस पर आ जाओ, ग्राउंड फ्रेम पर, मतलब रिलेटिव से अब मत चलो, क्योंकि रिलेटिव में तो एक ही के पास अपन दोनों के वेग को दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या रहा है कि दोनों के वेग आपको अलग अलग मिल रहे हैं। अच्छा जैसे ए पार्टिकल इधर चल रहा है कितने से 4v/5 से, अरे बोलो 4v/5 से, टाइम कितना, कितने टाइम के लिए चल रहा है 6 सेकंड के लिए, तो s x निकाल लो कितना आएगा आपके पास, सीधा सीधा ये वेलोसिटी निकाल लो पहले, तो आप 4 × v 200/3/5, यानी ये गया 160/3 वेलोसिटी आ गई, तो एस एक्स में कितना चलेगा, एस एक्स में कितना चलेगा 160/3, कितने टाइम के लिए चलेगा 6 सेकंड के लिए। अच्छा तो कितना आएगा, दो बार 320 मीटर, यानी एस एक्स आ गई 320। अच्छा अब एस वाई भी निकाल लो, ये कितना चल रहा है 3v/5, नीचे की ओर जी लग रहा है, एस वाई बराबर 3v का मान 200/3/5 -1/2 जी टी स्क्वायर 10, टी कितना 6 इसका स्क्वायर। अच्छा इससे आप करो 5 से कितनी बार 120/ कितना हुआ 3/5 वी का मान 200/3 ओके -1/2 जी का वैल्यू रखा टी कितना आया 6। मिस्टेक हुई हो रही है क्या, हाँ ये तो आपके पास, हाँ 3 से 3 कट गया ठीक है ना, ठीक है तो ये आ गया 40। अच्छा टाइम नहीं रखा इसमें भी, तो टाइम रखना है ना, × 6 तो 40 × 6, अरे ये गलती हुई इसमें, देखो एस वाई बराबर 3v/5 की वैल्यू 3v/5 u × t -1/2 10, टी का मान 6 इसका स्क्वायर, ये आया 240, टी की वैल्यू 6 रखने पर, और ये कितना आ गया आपके पास 180, मतलब 60 मीटर की डिस्टेंस एस वाई का चलेगा, ये आपके पास सीधा सीधा सा क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं रेन मैन कॉन्सेप्ट पर, है ना, ये तो समझ में आ ही रहा होगा बेसिकली आपको, जिसके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है उसको आपको रिवर्स करके ऐड कर देना है, और पोजीशन फाइंड करने के लिए ग्राउंड फ्रेम से देखना है। अच्छा अब आप देख रहे हैं 3-4 रेन मैन प्रॉब्लम्स और रिवर बॉट प्रॉब्लम्स, बस इसके बाद ही ये रिलेटिव मोशन का एंड हो जाएगा। अच्छा तो देखिए रेन मैन प्रॉब्लम क्या कह रही है आपसे, रेन मैन प्रॉब्लम इसके दो केस हैं, केस 1 और यहां पर केस 2। केस 1 ये है आपके पास कि रेन तो वर्टिकल से सीधी गिर रही है, ये है वी आर रेन, और केस 2 ये है कि रेन तो कैसे गिर रही है, हॉरिजॉन्टल गिर रही है, वी रेन कैसे गिर रही है, हॉरिजॉन्टल गिर रही है। अच्छा अब वी रेन तो गिर रही है वर्टिकल, अच्छा वी मेन चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये चल रहा है वी मेन, तो इसको जो रेन
का वेग दिख रहा है वो ये दिख रहा है वी आर एम, यानी इसको रेन इस प्रकार से गिरती हुई प्रतीत हो रही है, समझ रहे हैं ना। अच्छा तो बेसिकली किस प्रकार से देख रहे हैं कि मेन को इस प्रकार से प्रतीत हो रही है, मतलब मेन के सापेक्ष है ये, यानी ये तो हो गई वी आर, मेन के रिलेटिव यानी मेन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा, ये दिख रही है मेन को वी आर एम। तो यहां से आप तीन फॉर्मूले देखो, वी आर एम बराबर अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, ये मान के लो एंगल थीटा है, तो टेन थीटा बराबर वी एम बट्टे वी आर, ये दो फॉर्मूले। अच्छा ये कौन सा केस है, रेन आर ए आई एन होता है सर, रेन डाउन वर्टिकल, रेन वर्टिकल गिर रही है और एपियर हो रही है किसी थीटा कोण पर, इसमें क्या है रेन एपियर डाउन वर्टिकल, यहां पर एपियर हो रही है वर्टिकल पर, वहां पर वर्टिकल पर गिर रही है, वर्टिकल पर एपियर हो रही है, इसका मतलब वी आर एम इस डायरेक्शन में रहा होगा। अच्छा ये मेन के सापेक्ष है, इसका एक और मतलब है कि वी आर एम इस डायरेक्शन में रहा होगा, जैसे वी तो वी आर उस इस डायरेक्शन में रहा होगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये वी आर साइन थीटा। अब इस मेन को इस वर्टिकल दिखाई दे रही है, इसका वर्टिकल कब दिखाई देगी, जब मेन के सापेक्ष ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, तो इसी डायरेक्शन में जब वी एम इसी डायरेक्शन में वी आर साइन थीटा जब इक्वल हो जाएंगे तभी तो वर्टिकल दिखाई देगा, और मेन के सापेक्ष अपन देख रहे हैं तो मेन की वेलोसिटी को उल्टा वी एम, तो सीधा सीधा आपके पास क्या है कि वी एम बराबर वी आर साइन थीटा होना चाहिए जब वर्टिकल को दिखेगी तब, अरे बोलो वी आर साइन थीटा होना चाहिए पहला। दूसरा इसमें यदि आपको वी आर एम निकालना है तो क्या कर देना है, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला। अच्छा अब आपसे यदि ये पूछ ले कि टाइम बताओ भाई, है ना, ये आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, बहुत है, इतना ही आएगा, है ना। अब इसमें आपके पास क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है इसमें, तो है ना। अपन दूसरा वो पढ़ते हैं रिवर वॉट प्रॉब्लम, ये हो गया आपका रेनमैन प्रॉब्लम, आफ्टर दिस वी डिस्कस रिवर वॉट प्रॉब्लम। रिवर वॉट प्रॉब्लम, अच्छा एक क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो यार उस पर, है ना, एक क्वेश्चन कर लो उस पर, कैसे कर रहे हैं कि बारिश गिर रही है 4 किलोमीटर प्रति आवर से नीचे की ओर गिर रही है हुई रेन, यानी ये हुई रेन दिया 4 किलोमीटर पर आवर से नीचे की ओर। अच्छा अब हुई मेन चल रहा है, हुई मेन 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अच्छा तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो फाइंड वी आर एम एंड डायरेक्शन ऑफ इट। तो इसको कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, देखो। अच्छा तो मेन इस दिशा में, तो आपके पास सीधा साधा कि वी आर तो ये हो गया, और मेन के रिलेटिव देखनी है तो वी मेन इधर हो गया 3, ये हो गया 4, तो आपको फाइंड क्या करना है, वी आर एम कितना आ गया, आ जाएगा वी आर एम बराबर वी आर उसके प्लस वी एम उसके, यानी बराबर 5। एंगल जैसे वर्टिकल से देख रहे हैं तो टेन थीटा बराबर 3/4 बराबर 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन नॉर्मल से इसमें क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा डायरेक्ट ज्यादा कराने की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसीलिए रिवर वॉट प्रॉब्लम पे आते हैं डायरेक्ट, है ना। रिवर वॉट प्रॉब्लम में इसमें थोड़ा सा समझने का है, रिवर वॉट प्रॉब्लम में इसमें आपके पास पहले तो कुछ
लर्न करना है, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये आपके पास दिया है, जैसे वीआर ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, फिर आपको दिया है वीबी यानी वेलोसिटी ऑफ बोट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, या फिर इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ टू जॉइनिंग पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन जॉइनिंग जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यानी पहली और अंतिम पोजीशन की डायरेक्शन को जोड़ने वाली वेलोसिटी वीबी कहलाएगी। इसके बाद वीबीआर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये तो आपको पता है आर मतलब रिवर के सापेक्ष वेलोसिटी होगी, इसको दूसरी शांत जल में वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, इसको बोलते हैं शांत जल में वेलोसिटी ऑफ बोट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें आप तीन केस देखते हैं, केस वन, केस वन तो आपको ये है मिनिमम डिस्टेंस का, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में जैसे ये मान के लो वी लेवल चल रही है इस डायरेक्शन में, अच्छा ये विड्थ भी है आपको डब्लू डब्लू, अब मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है, इसका मतलब इधर जाएगा ये, तो ये इनिशियल फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वी बी यानी ये होगा आपके पास वी बी वेक्टर, वी रिवर का ये रहा वी बी वेक्टर ये रहा, तो अब सोचो वी रिवर इसको किधर ले जाएगी, इधर की साइड, ये हो जाएगा वी बी आर, तो इस पोजीशन में आपको वी बी आर कैसे निकाल सकते हैं, वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर, अच्छा इसके अतिरिक्त आप इसमें क्या देख सकते हैं, वी बी आर देख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें थीटा देख लो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी आर बटे वी बी आर, अच्छा इसमें आपसे यदि टाइम पूछ लिया टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा W बट्टे वी बी हो जाएगा, और वी बी का मान कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर से, अच्छा अब बेसिकली रिवर के सापेक्ष अपन वी बी आर देख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो रिवर के सापेक्ष रिवर की वेलोसिटी इधर है, तो आप रिवर की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ोगे वी आर, तो आपको ये वीआर जो वीबीआर जो दिखेगा ना इस डायरेक्शन में नहीं दिखेगा, ये इस डायरेक्शन में दिखेगा, क्योंकि रिवर के सापेक्ष अपन देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल ये एक्चुअली में आपने जो निकाला है साइन थीटा है वो है ना। मिनिमम डिस्टेंस वाला केस तो आपका हो गया, दूसरा केस देख रहे हैं मिनिमम टाइम अप्रोच, केस टू मिनिमम टाइम अप्रोच यानी कम से कम समय कितना लगेगा वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो मिनिमम टाइम अप्रोच के लिए ये देखो, ये तो हो गया वी रिवर, ये हो गया वी बी आर, ये हो गया डब्लू, तो मिनिमम टाइम अप्रोच के लिए कण, अच्छा वी बी आर क्या होता है पता है, जो प्रयास करता है ना जिधर जाने का, मूविंग यानी जिधर जाने का ट्राई करता है, मूविंग ट्राई जिधर जाने की ट्राई करता है वो वीवीआर होता है, अच्छा अब देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मिनिमम टाइम के लिए इधर से इधर जाने का ट्राई करेगा, यदि इधर से इधर पहुंच जाता तो वीवी हो जाता, लेकिन ये क्या करेगा ट्राई करेगा, अच्छा रिवर की वेलोसिटी इधर है तो रिवर इसको किधर ले जाना चाहेगी अपनी तरफ, इसका मतलब इधर से इधर ये कब पहुंच पाएगा, जब ये यहां से ही स्टार्ट कर देगा क्या, अरे बोलो, हाँ बिल्कुल सही है, देखो तो वीआर तो आपके पास इधर आएगी, तो क्या वेलोसिटी ऑफ बोट इसको इधर नहीं ले जाएगी, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल में ये आपको दिखाई देगी, अच्छा
अब देखो आप एक्चुअली में इसमें क्या देखना है, टाइम देखो, टाइम टाइम आ जाएगा आपके पास W बट्टे VVR पहली, और ये जो यहां से यहां जाना चाहता था इतनी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करने पड़ी, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे आप, ड्रिफ्ट निकालने के लिए सीधा सीधा टाइम इनटू VR इस प्रकार से आप ड्रिफ्ट कर सकते हो। ये आपके पास हुआ, एक समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से देख रहे हैं। अच्छा ये आपके पास ये रिलेटिव मोशंस का कंसेप्ट फिनिश हुआ। बेसिकली इसमें क्या है कि जब आप मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हो ना, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए इधर से इधर जाना है ना। अच्छा इधर से इधर जाना है, लेकिन रिवर इसे कहाँ लेके जाएगी, आगे। तो क्या ये पार्टिकल ये नहीं सोचेगा, ये होगा VVR, कि मुझे यहीं से चालू कर देना चाहिए था जाना, है ना। तो ये सोचेगा यहीं से, बट रिवर की वेलोसिटी उल्टी करके मिलेगी, तब VVR इधर आएगा, लेकिन VV तो सीधा जाएगा। खैर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले ही लर्न करने हैं कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला VVR बराबर दोनों का योग अंडर रूट और टाइम W बट्टे VV। VV को लिखने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अंडर रूट में VVR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा फ्रॉम वर्टिकल, ये भी लर्न करना है कि ये जो थीटा है ना, थीटा ये थीटा फ्रॉम वर्टिकल है, थीटा फ्रॉम वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर से कोण है थीटा। ये आपका लेक्चर फिनिश हुआ, तो कैसा लगा, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू बाय बाय, थैंक यू। आज का यहीं पर फिनिश करते हैं, थैंक यू टू ऑल।